नमस्ते, कुल फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चाइनीज कार ब्रांड के बारे में जिसका नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स यानी BYD। शायद आपने इसका नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ये टेस्ला से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचते हैं। BYD बैटरी बनाने से लेकर चाइना का सबसे बड़ा EV मैन्युफैक्चरर बन गया है। ये टेस्ला को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर बनने से रोक रहा है। हो सकता है आपने इनकी गाड़ियों को देखा हो या उसमें ट्रैवल किया हो बिना जाने। इनकी इलेक्ट्रिक शटल बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, ट्रक्स और टैक्सीज दुनिया भर के अनेक शहरों में चल रही हैं। इनका प्रभाव लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन को बदल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं रहता हूँ, आपको इनकी गाड़ियाँ हर जगह दिखाई देंगी। वापस चाइना में ये नंबर 1 EV मेकर बन रहे हैं और अब यूरोप में ग्रोथ के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके पास US में एक फैक्ट्री भी है और 2008 में वॉरेन बफेट ने इनमें इन्वेस्ट किया था टेस्ला के बजाय। सिर्फ $10,000 में आप अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए आकर्षक है। लेकिन इस कंपनी की कहानी क्या है? क्या ये BYD कार सच में अच्छी हैं और ये कैसे इतनी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस बनाने में सफल हुए? इस एपिसोड में हम ये सब जानेंगे। मैंने इलियॉट रिचर्ड से बात की, जो कि फ्लियर चार्जर्स का चाइना करस्पोंडेंट है। उनको चाइना में क्या हो रहा है इसका गहरा ज्ञान है। मैं इस एपिसोड में उनसे हुए चैट के कुछ हिस्से इंक्लूड करूंगा। आप देख रहे हैं कोल फ्यूजन TV। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी एक मौका है ऑटो मेकर्स के लिए ग्लोबली। EV डिज़ाइन सिंपलर होते हैं, कम मूविंग पार्ट्स और कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। इससे कंबर्शन व्हीकल्स के कंपैरिजन में प्लेइंग फील्ड फ्रेश बन जाती है। टेस्ला स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर था। रैवेंट, पोलस्टार और ल्यूसिड भी अपने आप का नाम कर रहे थे, लेकिन अचानक लेक 2023 में BYD आया और टेस्ला को नंबर 1 स्पॉट से हटा दिया। BYD अपने आप को सबसे बड़ा कार ब्रांड जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा के रूप में प्रमोट करता है, और ये सच है, कम से कम सेल फिगर्स के कंटेक्स्ट में। हाल ही में BYD ने टेस्ला को ग्लोबल लीडर्स इन EV सेल्स में ओवरटेक किया। टेस्ला ने अपना बेस्ट दिया, डिलीवरिंग अ व्हूपिंग 484,000 व्हीकल्स इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 11% इंक्रीज थी। लेकिन ये उनका टाइटल रखने के लिए इनफ नहीं था। एज द नंबर 1 EV मैन्युफैक्चरर, BYD ने सेल्स में आगे बढ़कर 526,000 व्हीकल्स फॉर द सेम पीरियड तक पहुँच गया। BYD का चाइना में इम्प्रेसिव 35% मार्केट शेयर है। BYD के 3 सबसे पॉपुलर मॉडल्स हैं युआन, सीगुल और डॉल्फिन। नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। BYD ने 20 साल से कार्स बनाने शुरू की थी, लेकिन पहले 18 साल तक उनकी कार्स इतनी अच्छी नहीं थी। पिछले 3 साल में हमने देखा कि चाइनीज़ ब्रांड्स ने गिमिक्स पर फोकस किया, लेकिन 2024 में हम देख रहे हैं कि अब लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। अब लोग एफिशिएंसी और सेफ्टी जैसी बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि सिर्फ शाइनी फीचर्स पर। यूरोप, UK और ऑस्ट्रेलिया में BYD अपनी कार्स ऑफर कर रहे हैं और लोग उन्हें काफ़ी अच्छे समझ रहे हैं। इन 3 मॉडल्स ने मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट किया है, जैसे सेडान, हैचबैक्स और SUVs। टेस्ला का मॉडल Y चाइना का बेस्ट सेलिंग EVs में से 5th स्पॉट पर है, लेकिन वो वहाँ अकेला है क्योंकि वो अमेरिकन EV एफर्ट्स का एकमात्र प्रतिनिधि है टॉप 15 में। BYD के EVs ने ग्लोबली भी काफ़ी प्रोग्रेस की है, खास करके इसराइल और थाईलैंड में, जहां उन्होंने EV सेल्स में लीड लिया है। उनकी इलेक्ट्रिक टैक्सीज बैंकॉक के स्ट्रीट पर चलती है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा टैक्सी ऑपरेटर भी 80% EVs BYD से खरीदने के प्लान कर रहे हैं। चाइनीज ऑटोमेकर्स BYD मेक्सिको, ब्राज़ील और दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। यूरोप में BYD 2025 तक इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करना शुरू करने का एम रखता है, और वो भी फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में लोकेशन स्काउट कर रहे हैं। अगर आप अमेरिकन हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपने इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि BYD के पैसेंजर्स EVs यूनाइटेड स्टेट में अवेलेबल नहीं है, मोस्टली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। चाइना और US ट्रेड के मामले में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, इसलिए BYD ने डिसाइड किया कि वो अपने पैसेंजर्स EVs को अमेरिका में लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन ये कहानी नहीं है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में फेडरल टैक्स क्रेडिट के ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, जो US बेस्ड लोकल प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज करता है। इस क्राइटेरिया को मीट करना BYD के लिए कॉस्ट बढ़ा देगा, क्योंकि उनका ज़्यादातर रिफाइनमेंट चाइना बेस्ड है। हाल ही में एलॉन मस्क ने भी कहा था कि चाइनीज मेकर्स प्रीटी मच डिमोलिश मोस्ट कॉम्पिटिटर्स कर देंगे
अगर ट्रेड बैरियर्स ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि BYD का US में कोई प्रेजेंस नहीं है। आपको BYD के नॉन पैसेंजर्स EVs जैसे ट्रक्स, बसेस और फोकलिफ्ट्स दिखाई देंगे। उनका एक 550,000 स्क्वायर फीट का बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कैलिफोर्निया में, जहां 750 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। उनके और भी ऑपरेशंस हैं इलिनॉइस और सैन फ्रांसिस्को में, जहां BYD के इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स के लिए एक सर्विस सेंटर है। कंपनी गार्बेज ट्रक्स, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट के लिए स्पेशलाइज ट्रैक्टर्स और माइनिंग के लिए एक मैसिव 60-ton डंप ट्रक भी बनाती है। ये वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स ग्लोबल क्लाइंट्स को भी बेचे जाते हैं और फिर वो ओवरसीज स्केल करने में भी किसी से कम नहीं है। इतना ही नहीं, वो अपने शिप्स भी बना रहे हैं। उनके पास एक कंटेनर है, यानी एक रोल ऑन रोल ऑफ शिप स्पेस ऑफ 7,000 कार्स जो ऑलरेडी बिल्ट हो चुकी है, और वो अगले 2 साल में 7 और शिप प्लान कर रहे हैं। अब तक कोई और ऑटोमेकर ये करने में सफल नहीं हुआ, तो अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना तो अब आपको पता चल जाएगा कि BYD कितना बड़ा है। एक कंपनी इतनी जल्दी कैसे इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी जल्दी डाइवर्सिफाई करती है, इसके लिए हमें कंपनी के ओरिजिन और कोफाउंडर के बारे में जानना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले एक बैटरी कंपनी थी, और ये समझ में आता है कि ये पहले सबसे मुश्किल पार्ट खुद बनाओ, उसमें एक्सपर्ट बनो और फिर उसी कंपनी कोर के अराउंड व्हीकल्स बनाओ। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक कार्स के राइज को कवर करते हुए काफ़ी साल बिताए हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में चीज़ें सच में तेज़ी से बढ़ रही हैं। मुझे खुशी हो रही है कि इस हफ्ते मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हूँगा। मैं वहाँ एवरीथिंग इलेक्ट्रिक इवेंट में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं AI माइक्रोचिप और इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन सॉल्यूशन के बारे में रॉबर्ट लेलन के साथ एक स्पेशल चैट करूँगा। आप मेरी टॉक को देखने आ सकते हैं, और अगर आप वहाँ होंगे तो मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी। प्रोमो कोड कोल्ड फ्यूजन यूज़ करके आप टिकट पर 20% ऑफ पा सकते हैं, जो कि सिर्फ $60 का है फॉर ऑल 3-day एंट्री टू द इवेंट, या $40 फॉर अ सिंगल डे एंट्री ऑन 9th February, जो कि मेरे टॉक का दिन है। तो अगर आप EVs और सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रिक टेक में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर चेक करें। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बिलो में है। आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको वहाँ देखूँगा। BYD का सफ़र एक बैटरी बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू हुआ था, और आज भी वो बैटरीज बनाते हैं। 1995 में वांग चुआन फू, जो बीजिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ने BYD की स्थापना की। उनका ग्रैंड विजन था कि वो चाइना में बैटरी प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज करें। उन्होंने अपना काम शुरू किया शेंजन में, जो कि चाइना का सिलिकॉन वैली कहलाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि BYD ने शुरू में ही EV बैटरीज बनाना शुरू कर दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उनका पहला प्रोडक्ट था रिचार्जेबल बैटरीज, जो मोबाइल फ़ोन के लिए मेंट थी। बाद में उन्होंने लैपटॉप्स और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बैटरी सप्लाई की। उनके क्लाइंट्स में बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि मोटोरोला, नोकिया और सैमसंग। 2002 में BYD ने दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज का टाइटल क्लेम किया, बोस्टिंग 25% मार्केट शेयर। उसी साल कंपनी ने हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक गो किया। 2003 में वैंग ने एक लाइफटाइम का अपॉर्चुनिटी सीज किया। उन्होंने एक स्ट्रगलिंग कंपनी को परचेज किया, जिसका नाम था चिन चुआन। इन्वेस्टर्स वर रैटल्ड, और उन्होंने सोचा कि वैंग ने अपने दिमाग खोया है। BYD का शेयर प्राइस ड्रॉप हो गया, लेकिन वैंग के लिए ये एक मौका था अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का और अपनी बैटरीज एक्सपर्टाइज यूज़ करने का। उन्होंने शंघाई में R&D सेंटर एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स से अपनी मर्सिडीज एस क्लास को डिसमेंटल करने को कहा, और ये BYD के अर्ली स्ट्रैटेजी का टोन सेट किया। उन्होंने बैड बॉयज को इमिटेट करना शुरू किया, लर्न करना, कॉपी करना और प्रोड्यूस करना। ये रिवर्स इंजीनियरिंग टैक्टिक्स ने डिविडेंड्स पेड किया, जिससे BYD ने अफोर्डेबल प्राइस पर प्रीमियम लुकिंग कार्स ऑफर की। इनिशियली उन्होंने टोयोटा मॉडल्स को मिमिक करना शुरू किया, लेकिन बेटर वैल्यू पर दैन द अदर चाइनीज कॉम्पिटिटर्स। लेकिन 2006 में जब चाइनीज इकोनॉमी बूम कर रही थी, उनके डोमेस्टिक सेल्स स्काई रॉकेटेड। दो एट दिस टाइम वो मोस्टली गैसोलीन व्हीकल्स थे। वैंग का नेक्स्ट गोल था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रिएट करने का, और पहला एग्जांपल 2008 में आया। ये वही साल था जब वॉरेन बफेट्स, बर्कशायर हैथवे ने BYD के पब्लिकली ट्रेड को शेयर में 10% परचेज किया हांगकॉन्ग में। BYD को वॉरेन बफेट के अटेंशन में लाने का क्रेडिट बर्कशायर के वाइस चेयरमैन द लेट ग्रेट चार्ली मंगर को जाता है। वॉरेन बफेट ने
इस मोमेंट को CNBC के इंटरव्यू में विविडली रिकॉल किया। 2018 में एक दिन चार्ली ने मुझे कॉल किया और बोला कि हमें BYD खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बंदा इसे बेहतर चला रहा है थॉमस एडिसन से। मंगा ने भी ये बात की और उचफो को थॉमस एडिसन और जैक वेल्च का मिक्स बताया। एक आदमी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट है, शायद एडिसन की तरह एक या दो आइडिया ले लिया हो और वेल्च की तरह इफेक्टिव डूअर हो। उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 232 मिलियन का था 2008 में, जो 2021 तक 7.4 बिलियन बन गया। ये एक स्टैगरिंग 30-fold या 3000% गेन है, जो उनके इन्वेस्टमेंट मूव के ब्रिलियंस को शोकेस करता है। ये BYD की मेटियोरिक ग्रोथ और सक्सेस का भी टेस्टामेंट है, पहले चाइना में और फिर वॉरेन बफेट के बैकिंग के साथ उनकी पब्लिक प्रोफाइल बढ़ी और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी बढ़ा। जनवरी 2024 तक BYD का मार्केट कैपिटलाइजेशन 74.8 बिलियन हो गया, जिससे उनका पोजीशन वर्ल्ड्स 207th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया। BYD की सक्सेस का एक मेन रीजन था रोबस्ट सपोर्ट फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट। जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, चाइना ने अर्ली 2000s में EV में सीरियस प्लंच लिया कंबर्शन इंजन से शिफ्ट करने के लिए। उनका स्ट्रैटेजी था जेनरस टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स दोनों EVs मेकर्स और बायर्स के लिए। एक स्टैगरिंग $30 बिलियन टैक्स एक्सेम्पशंस अनाउंस किया गया था 2009 से 2022 तक और एडिशनल 97 बिलियन पाइपलाइंस में है 2027 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टैक्स रेट्स को स्टैंडर्ड 25% से स्लैश कर दिया गया 15% पर। ये सब कुछ EV इंडस्ट्री को चौर्निंग करने के लिए इनफ था। लाइसेंस प्लेट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया और EVs चाइना में शोरूम फ्लोर से फ्लाइंग ऑफ हो गए। एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसे कि वैंग के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उनके पास पहले से ही एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और इनहाउस एक्सपर्टीज बैटरीज बनाने की, तो EVs की तरफ शिफ्ट करना एक नो ब्रेनर था। जैसे जैसे EVs की डिमांड बढ़ी, BYD ने अपने EV मॉडल को रेंज को एक्सपैंड किया और चाइनीज कंज्यूमर्स को वो बहुत पसंद आए। आप सोच रहे होंगे ये वैंग सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की वजह से सक्सेसफुल हुआ। हालांकि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन कंपनी में जेन्युइन इनोवेशन भी है। BYD का एक नोटेबल सक्सेस स्टोरी है ब्लेड बैटरी का क्रिएशन, जो एक कोबाल्ट फ्री अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल लिथियम आयरन बैटरीज के लिए। ये इनोवेशन उसके इनहैंस सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए टाउटेड है। BYD इन बैटरीज को अपनी व्हीकल्स में इनकॉर्पोरेट नहीं सिर्फ करता, बल्कि दूसरे ऑटोमेकर्स को भी बेचता है, रिपोर्टेडली इंक्लूडिंग टेस्ला। BYD के पास टेक्नोलॉजिकल एज के साथ साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है। उनका वास्ट मेजॉरिटी सप्लाई चेन बैटरीज से लेकर मोटर्स, चिप्स और सॉफ्टवेयर तक उनके पास ही है। उनका फ्लैगशिप मॉडल द सेल में 75% पार्ट BYD ही मैन्युफैक्चरर करता है। कंपैरिजन के लिए टेस्ला अपने मॉडल वाई कंपोनेंट का सिर्फ 68% मैन्युफैक्चर करता है। BYD के पास एक चिप मेकिंग आर्म भी है, BYD सेमीकंडक्टर, जो ऑब्वियसली EVs में यूज होने वाले चिप्स बनाते हैं। इसने BYD को ग्लोबल चिप शॉर्टेज से बचाया, जो कि दूसरे ऑटोमेकर्स को डिस्टर्ब कर रहा था। अपनी खुद की बैटरी और चिप प्रोडक्शन होने से BYD अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता है और लार्जली अपने कॉम्पिटिटर से फास्टर इनोवेट कर सकता है। BYD की सक्सेस का एक और रीज़न है उनका प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। टेस्ला मॉडल 3 को हर आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार होना था, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस $35,000 होने से वो एग्जैक्टली चीप नहीं है। उस प्राइस पर बेस टेस्ला मॉडल 3 आपको लगभग 272 माइल्स का रेंज देता है। ऑन द फ्लिप साइड, BYD सीगल की स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ $10,000 है और वो दो बैटरी ऑप्शन ऑफर करते हैं, एक 190 माइल्स के लिए और दूसरा 251 माइल्स के लिए। ये प्राइस डिफरेंस और फीचर्स डिफरेंस मैटर करते हैं, खास करके प्राइस सेंसिटिव मार्केट जैसे चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में। इन मार्केट में BYD का पॉपुलैरिटी टेस्ला से ज़्यादा है सिंपली बिकॉज वो चीपर है, लेकिन BYD अपने EVs को इतने लो प्राइस पर कैसे ऑफर कर सकते हैं? एक रीज़न है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हेल्प करते हैं। BYD ने बैटरी मार्केट को डोमिनेट किया है और अब वो लिथियम मिनरल को इतने वॉल्यूम में बाय कर सकते हैं कि उन्हें रियली गुड प्राइस मिलता है। जनरली चाइना में अगर आप कार बना रहे हैं तो मोस्ट ऑफ मटेरियल यहीं से मिलता है, लेबर भी बहुत सस्ता होता है, तो एवरीथिंग इज जस्ट ऑन अ चीपर स्केल। इसीलिए ये मच लोअर कॉस्ट पर हो सकता है, विच इज़ वाई
वो ये अमेजिंग कार्स इतने कम पैसे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। BYD का परफेक्ट ब्लेंड है अफोर्डेबिलिटी और इम्प्रेसिव फीचर्स का, जो उन्हें अलग बनाता है। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर आप इनमें से एक चीज़ खरीदते हैं तो व्हील्स हाईवे स्पीड पर पहुंचते ही फॉल ऑफ हो जाएंगे। हाँ, सस्ते मॉडल्स में कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन चाइना बेस्ड एलॉय के हिसाब से, जो कि इन कार्स के साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस रखते हैं, ये उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप पहले सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है सीगल, जो कि BYD की एक्सपर्टीज़ और नॉलेज का कल्मिनेशन है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंजीनियर्ड है, बैटरी क्वालिटी और बैटरी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, और ये एक्चुअली क्वाइट गुड भी दिखता है। अब BYD के कार्स जो पास्ट में थे, वापस 2015 तक वो हीडियस थिंग्स थी। वो ऑफुल दिखते थे, कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस किया है कि वो फोर्ड फिएस्टा या GM यानी चेवी बोल्ट जैसे छोटे कार्स के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। क्वालिटी चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स के साथ कोई इशू नहीं रख रहा है, कम से कम पिछले 5 या 6 सालों से। आप सोचते हो हमारे आईफोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन्स वो सब चाइना में बने होते हैं क्या? ये एप्पल कंप्यूटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी चाइना में बना हुआ है, ये अच्छी क्वालिटी का है। तो ये कोई केस नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो चाइना से आते हैं वो अब पुअरली मेड हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं सब चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो चाइना में बनी होती है। तो ये बेसिकली BYD से गो जैसी चीज़ों पर ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि ये ब्रेक हो जाएगा या फुल अपार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। ये सब यूरोप में एंटर कर रहे हैं इस साल, और सभी चाइनीज कार्स जो यूरोप में एंटर कर रहे हैं उन सभी का यूरो NCAP 5-स्टार रेटिंग है, जो कि ईजी नहीं है गेट करने के लिए, लेकिन उन सभी ने मैनेज कर लिया है अब तक। तो मुझे नहीं लगता कि इन सस्ती EVs के साथ ज़्यादा कंसर्न है। BYD का फ्लैगशिप मॉडल द सील एक मच मोर इंटरेस्टिंग केस है। BYD सील एक मीडियम साइज सेडान है, स्लीक डिज़ाइन के साथ और ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस। इसको एक जेन्युइन थ्रेट माना गया है टेस्ला मॉडल 3 के लिए। तो सील के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये बर्गियोनिंग चाइनीज ब्रांड ने एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स एयर बनाया है जो टेस्ला के स्केल को रेस में ब्लास्ट कर सकता है? वेल ऑनेस्टली प्रिटी अनलाइकली है, गिवन द हेड स्टार्ट जो टेस्ला को है। अगर आप अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लिए देख रहे हैं तो BYD सील को कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है, वो काफ़ी कंपेलिंग प्रपोजिशन है। आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि वो मॉडल 3 से सस्ता और अफोर्डेबल है, लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। अनोइंग सेफ्टी सिस्टम को छोड़कर ये सील क्विक है, क्वाइट है, डायनेमिक है, स्टाइलिश है, कंफर्टेबल है और एंड ऑफ द डे गुड वैल्यू भी है। ये सब चीज़ें उसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वेरी कंपेलिंग पैकेज बनाती हैं। लेकिन ये सब कुछ सनशाइन और रेनबोज नहीं है। व्हीकल को उसके ओवर रिलायंस के लिए क्रिटिसाइज किया गया है टच स्क्रीन पर फॉर फंक्शंस, ओवरली ईगर सेफ्टी असिस्ट सिस्टम और कंफ्यूजिंग और पैची वारंटी टर्म्स। ये क्लियर है कि जबकि BYD ने EV मार्केट में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड बनाया है, वहाँ भी अभी बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। शायद कुछ सालों में हम सब सोचेंगे कि BYD की इम्प्रेसिव ग्रोथ के बावजूद रास्ते में स्पीड बम्प्स भी आए हैं। 2023 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक हिकअप फेस किया, जहां उन्होंने BYD ADU 3 की डिलीवरी को पॉज कर दिया ड्यू टू द चाइल्ड सेफ्टी सीट कंप्लायंस इशू। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक और नोटवर्दी डेवलपमेंट ये था कि वॉरेन बफेट, जो अपने पोजीशन को रिमार्केबल 14 ईयर्स तक होल्ड कर रहे थे, उन्होंने अगस्त 2022 में अपना BYD स्टॉक बेचना शुरू कर दिया। बफेट्स बर्कशायर हैथवे ने तब से अपना स्टेक BYD में 60% से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। रीज़न अभी तक अनडिस्क्लोज है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से लेकर प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी तक। अक्टूबर 2023 में यूरोपियन कमीशन ने एक एंटी प्री प्रोब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया इनटू सेवरल लिस्टेड चाइनीज EV मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग BYD। इन्वेस्टिगेशन का एम है डिटरमाइन करना कि क्या पुनिटिव टैरिफ्स को इम्पोज किया जाना चाहिए। रीज़न ये है कि यूरोपियन EV मेकर्स के प्रोटेक्शन फोकस होकर डिटरमाइनिंग पर कि क्या चाइनीज मेड EVs, खास करके जो BYD ने मैन्युफैक्चर किए हैं, क्या वो अनफेयरली बेनिफिट करते हैं स्टेट सब्सिडीज से। मुझे लगता है कि एक प्रिटी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और 13 मंथ से चल रही है। BYD's मैनेजमेंट ने EU's इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज के साथ फुल कॉरपोरेशन एक्सप्रेस किया है, तो हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि BYD न्यू टोयोटा बनने वाला है। फॉर इंस्टेंस,
लास्ट ईयर टोयोटा ने सिर्फ 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बेचे, BYD ने उतने कार्स सिर्फ 3 वीक्स में बेचे लास्ट ईयर। टोयोटा सीम्स सेट ऑन बरिंग इट्स हेड इन द सैंड और इग्नोर कर रहा है जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जबकि BYD उनका मार्केट हूवर अप कर रहा है। टास्क टिकट अलोन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक कार्स नियरली 0 से 10.2 मिलियन ऑन द रोड तक एक्सप्लोड हुए। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से ये नंबर 2030 तक 300 मिलियन तक ग्रो करने की उम्मीद है। पूरा EV गेम इवॉल्व हो रहा है। चाइनीज कंपनीज खास करके ट्रायल ब्लेजर्स जैसे BYD ट्रेंड को सीज करने में क्विक कर रहे हैं, अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को आउटस्पेस कर रहे हैं। हालांकि हम चाइनीज गवर्नमेंट्स मैसिव हैंड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये बस अभी की बात है। मुझे लगता है कि एक फैसिनेटिंग स्पेस है ऑब्जर्व करने के लिए। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि आप कभी BYD जैसी चीज़ खरीदेंगे? क्या आप चाइनीज कार से डरते हैं या आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे आपके इनसाइट सुनने में खुशी होगी। तो आप अपने थॉट शेयर करें कमेंट सेक्शन में। एनीवे, बस मुझसे इतना ही। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।